खबर गाजीपुर से है, जहां बीते 2 अगस्त को घर में घुसकर सैदपुर कस्बा निवासी साड़ी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल रामबाबू सोनकर और राजू निषाद नामक बदमाशों को कत्ल में प्रयोग की गई पिस्टल के साथ औरिहार तिराहे से गिरफ्तार किया है, जबकि गिरफ्तार अभियुक्त के साथ 2 साथी सचिन और अर्चना सोनकर अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मृतक साड़ी व्यवसायी सुशील कुमार गुप्ता की दुकान में RO वाटर सप्लाई एजेंसी के ड्राइवर की मुखबिरी पर बदमाशों ने चोरी करने की योजना बनाई थी और इसी नियत से वे सब 2 अगस्त की रात मृतक के घर में घुसे थे। इसी दौरान आवाज से मृतक और उसकी पत्नी की नींद टूट गई और पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने गोली मार दी। गिरफ्तार रामबाबू सोनकर के ऊपर वाराणसी गाजीपुर समेत कई जनपदों में दर्जन भर से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गाजीपुर से हमारे संवाददाता महताब आलम की रिपोर्ट। हत्या हो गई थी। मुख्य मार्ग पर यूनियन बैंक के ऊपर प्रथम तल पर रहने वाले यात्री थी कि उनके यहाँ मध्य रात्रि लगभग 3 बजे कुछ बदमाश घुसे और उन्होंने उनकी पति की गोली मारकर हत्या कर दी। तत्काल इस घटना के अनावरण के लिए टीम्स गठित की गई। मृतक श्री सुशील चंद गुप्त के पारिवारिक विवाद, व्यावसायिक विवाद और इसके अतिरिक्त घटनास्थल के आसपास जो वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ CCTV के द्वारा, उसका बड़ी गहन से परिशीलन किया गया। इस घटना के अनावरण के लिए SP City के नेतृत्व में CO सैदपुर, इंस्पेक्टर सैदपुर, SWAT टीम, कुल टीम 3 टीमें बनाई गईं और इन टीमों के लगातार प्रयास से हम लोगों को आज ये सफलता मिली। CCTV फुटेज में जो लोग भागते हुए दिखाई दिए घटना के बाद, उनको स्थानीय अधिसूचना तंत्र के माध्यम से चिन्हित किया गया और उनकी वर्तमान लोकेशन के संबंध में उसके पकड़े जाने के बाद आंशिक बरामदगी हुई है, क्योंकि इसमें 2 मुलजिम अभी बाकी हैं जिनके पास चोरी के माल बंटवारे का हिस्सा उनके पास है, कुछ पैसा बरामद हुआ है, घटना में प्रयुक्त वेपन बरामद हो गया है और इसके साथ ही साथ इसके द्वारा पूछताछ पर एक गैंग इनका प्रकाश में आया है, जिसके विरुद्ध अलग से कार्रवाई की जा रही है।